जी सभी फार्मर भाइयों को नमस्कार। काफ़ी फार्मर भाई ये बोल रहे थे भी बच्चों को दस्त लग जाती है, उसका क्या करें। तो ये देखो भाई साहब, भंग है, भंग को ये हमने इसमें पीस लिया। पीसने के बाद बच्चों को दस्त हो चाहे ना हो, ठीक है, डिलीवरी के 24 घंटे बाद ये देना शुरू कर दो। 3-3 ml लगातार 4 दिन दो, दस्त नहीं होगी। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ, देखना है कमेंट। ये ऐसे सारे को इकट्ठा कर लो, अगर मिक्सी नहीं है आपके पास ऐसे पकड़ो, बस ये वेस्ट है। इसको फीमेल को फेंक सकती हो, जो फीमेल दूध दे रही है, ये जो बच्चा का ना, उस फीमेल को फेंक दो जो फीमेल दूध देती है। बाकी आप ये जो ये है, क्योंकि ये तो बच्चों के अंदर जाएगा नहीं, ये 3-3 ml सारे बच्चों को पिला दो। ये भंग होती है, ये भंग है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। और अगली जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ भी, काफ़ी फार्मर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, ठीक है, बहुत मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बलजीत जी ये बता दो, बलजीत जी वो बता दो। तो भाई साहब देखो, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं बिक्री चलेगी। बहुत बंदे हमारी बुराई भी करते हैं, करते रहने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बिक्री चलेगी नहीं। हम पागल नहीं थे भाई जो ट्रेनिंग लेने गए थे हुड्डा सर के पास, हमने सीखा है, पैसा खर्चा है, ठीक है, सीखना जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा भी हाँ हम सुअर रख लिए बस, क्या करवाना जी, कुछ भी नहीं, दाना डालना है। बहुत बंदों के फ़ोन आ रहे हैं जी हमारे बच्चे सूख सूख कर मर रहे हैं, डिलीवरी होती है बच्चे मर जाते हैं, ये हो गया जी वो हो गया। जो अभी आप इस फीमेल से पहले बच्चा देख के हटे हो, 11 बच्चे दिए थे फीमेल ने, और 11 के 11 कल एक मंथ के होकर विनिंग करवा दिया हमने। भगवान की दया है, कोई बच्चा हमारे मोर्टैलिटी नहीं होती, क्योंकि हमने सीखा है भाई। ऐसे नहीं होता, अपने घर में बैठ कर आप बोलते हो किसी को फीस नहीं देनी, किसी को बतानी, अब काफ़ियों के मिर्चे लग जाएंगी। ये देखो जी और एक ट्रेनिंग के बारे में ऐड डाल रहे हैं भाई, ये बिल्कुल सत्य है, सच है ये। जिसका नुकसान होता है उसको पूछ कर देखो दिल कैसे टूट जाता है उसका, भी हमारे बच्चे मर गए जी, हम कैसे केयर करें बच्चों की, हमारी मोर्टैलिटी हो रही है। तो ये देखो सारी फीमेलें ब्याने वाली हैं, जितनी की बैठी हैं सारी की सारी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है अभी भगवान की दया, हमें भगवान ने हुनर दिया है, हम अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं। हमें कोई जो बच्चे हमारे का ना फीमेल के नीचे दब गए, जिनका पैर वगैरह कोई लग रहा था भी नहीं बचेंगे, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये 11 बच्चे हमने वो भी बचा लिए जो सिर्फ ख़त्म होने में रेडी थे, हर एक फीमेल के एक एक बच्चा, 10-11 फीमेल को वो 11 बच्चे निकाले। ये आने वाली नई जनरेशन जो हमने तैयार की है, सांड तैयार की है जैक्स के, अब इनका वेट 40-45 किलो है, 70 kg के जब जो 70 kg के हो जाएंगे तब हम ये बेचेंगे, 20,000 का पर सांड बेचेंगे। और ये आगे हमने नई ब्रीड रखी है, सांड का रिजल्ट तो हमने देख लिया, अब देखेंगे फीमेलों का रिजल्ट। ये आगे हमने फीमेलें रखी हैं, जो बंदा चाहे वो भी आके जब ब्याने का टाइम होगा वो भी हम सेल करेंगे। और ये हमारा भगवान की दया से यहाँ चिकन शॉप हो चुकी है ऑन रोड के ऊपर, 1-2 दिन में इसकी अच्छी तरह से ओपनिंग हो जाएगी। और अभी ट्रेनिंग बैच चल रहा है, जो लड़के आएंगे 26 को नया बैच शुरू हो रहा है।